सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 14 सितंबर के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पे है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है, जिसमें टॉप पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ये लगातार 4 बार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे रहा है। कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंड नंबर पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और थर्ड पे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अगर बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट की, तो याद रखना कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट अंडर 300 रैंकिंग में भी नहीं है, जो भी है उसके बाद है। अगर इंडिया में बात करेंगे तो टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, तो IISc बेंगलुरु और IIT रोपड़ इंदौर, ये दोनों के दोनों 301 से 350 रैंकिंग के बीच में है। यानी कि आप कह सकते हो इंडिया में ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपको एक प्रश्न से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है, क्योंकि पूछा जाएगा तो टॉप का ही आपसे पूछा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेप्सिको की स्पोर्ट्स ड्रिंक है गेटोरेड, और इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिमा दास को। तो पेप्सिको का स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड है गेटोरेड, और इसी के लिए भारत में हिमा दास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हिमा दास बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, भारतीय स्प्रिंटर हैं ये। अच्छा, किस नाम से इनको जाना जाता है, निकनेम क्या है इनका? डिंग एक्सप्रेस है। अच्छा, कभी सोचा है डिंग एक्सप्रेस क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इनके गाँव का नाम है डिंग। अच्छा, ये किस स्टेट की है? तो आसाम की है ये, और 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, अभी 2019 की बात करेंगे, अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि इनको कुछ इवेंट हुए थे, वहाँ पे गोल्ड मिला था। और वो कौन कौन से इवेंट थे मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ, जैसे कि पोजनान एथलेटिक्स 200 मीटर में इनको गोल्ड मेडल मिला था, उसके बाद कुटनो एथलेटिक्स में 200 मीटर में इनको गोल्ड मिला था, उसके बाद कलांदो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर में इनको गोल्ड मेडल मिला था, फिर टैबोर एथलेटिक मीट 200 मीटर में इनको गोल्ड मेडल मिला था, और फिर एथलेटिक्स चैंपियनशिप नोवे मेस्टो ग्रैंड प्री में 400 मीटर में इनको गोल्ड मेडल मिला था। वैसे इनको गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। अच्छा, अभी तो गेटोरेड जो स्पोर्ट्स ड्रिंक है उसका इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया में, लेकिन इसके अलावा पहले इनको दो चीज़ों का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। एक तो यूनिसेफ ने इन्हें यूथ ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, यानी कि यूनिसेफ की यूथ ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये, और एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी हिमा दास। तो हिमा दास के बारे में आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। अच्छा, परसों के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट नाम बताए थे जिन्हें अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक तो फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था शिल्पा अग्रवाल को, उसके बाद मैंने आपको बताया था JBL जो ऑडियो डिवाइसेस बनाती है, वो जो JBL कंपनी है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया रणवीर सिंह को, और बॉडी शॉप एक ब्यूटी ब्रांड है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया श्रद्धा कपूर को, और मान्यवर का एक मोहे ब्रांड है दुल्हनों की ड्रेसेस बनाता है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया आलिया भट्ट को। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। बढ़ते आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में मैत्री 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड के बीच में। तो अभी ये हुआ नहीं है, होगा। 16 से 29 सितंबर तक भारत और थाईलैंड की सेना के बीच में मैत्री अभ्यास 2019 शुरू किया जाएगा। अच्छा, ये होगा कहाँ पे? तो ये मेघालय के उमरोई में होगा। अच्छा, चलो आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इस साल दिसंबर में हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होगा, ये होगा कहाँ पे? अच्छा, पहले तो आप ये बताओ कि ये जो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास है ये किन देशों के बीच में होगा? तो भारत और चाइना के बीच में ये होगा, और कहाँ पे होगा? तो मेघालय के उमरोई में ही होगा। तो इस तरह से देखो, आप लिंक करके ये दोनों पॉइंट याद रख सकते हो, मेघालय के उमरोई में, अभी सेप्टेम्बर में मैत्री अभ्यास होगा जो कि थाईलैंड और इंडिया के बीच में होगा, और मेघालय के उमरोई में ही अभी एंड में यानी कि दिसंबर में हैंड इन हैंड अभ्यास होगा जो कि चाइना और भारत के बीच में होगा। अब ये थाईलैंड के साथ होगा, तो येरा मैप में थाईलैंड, कैपिटल क्या है? बैंकॉक है, करेंसी है थाई बहत, और अभी इसके नए प्रधानमंत्री कौन बने? प्रयुत चान ओचा बने। अच्छा, कल भी हमने एक थाईलैंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि सादे सिगरेट पैकेजिंग का लागू करने वाला, अनावरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा थाईलैंड। उसी के साथ मैंने आपको कल ये भी बताया था कि नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
और इसी के साथ मिलता जुलता एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि नमस्ते पैसिफिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो हमने कहाँ आयोजित किया था, वो भी हमने नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स के कल मैसेजेस आए थे जिसमें वो बता रहे थे कि वो जो हमारा करंट अफेयर्स वाला रिवीजन वाला वीडियो आता था वो बंद क्यों कर दिया गया, जिसमें हम पुराने महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवाइज करते थे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी होते थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन भी होते थे, वही वाला जिसमें हम 10 मिनट के अंदर लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कवर कर लेते थे अगर आपने देखा हो तो। तो एक्चुअली इसे बंद करने का कारण यही है। देखो, कहने को तो एक्चुअली वो 10 मिनट का वीडियो होता था लेकिन उसको बनाने में काफ़ी मेहनत और समय देना पड़ता था वीडियो को बनाने में, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी टाइम तक हमने उसको कंटिन्यू करा और लेकिन उसमें व्यूज़ हम गेन नहीं कर पाए। तो उसका एक कारण ये भी रहा कि वो लोगों तक पहुँच ही नहीं सका, और एक कारण ये भी है, आप मानो ना मानो कि आप में से बहुत सारे लोग जितने भी देखते थे, जितने भी व्यूज़ आते थे, उसमें से केवल 7-8 लोग ही उसे शेयर करते थे। एक्चुअली YouTube बता देता है हम लोगों को कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है कितना टाइम शेयर किया गया है या किस किसने मतलब कितने लोगों ने इसको शेयर किया है, नाम तो नहीं बताता लेकिन कितनी बार ये शेयर हुआ है, तो केवल 6-7 बार वो शेयर किया जाता था। तो देखो, अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो एक न एक टाइम ऐसा आता है कि मनोबल टूट ही जाता है, और मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि देखो, आपका शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, जो भी आपका व्हाट्सअप, जो भी आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी आप यूज़ करते हो प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप लिंक को शेयर कर दिया करें। सिर्फ आपको शेयर करने में एक मिनट लगेगा, आपके 24 घंटे का सिर्फ एक मिनट मैं मानता हूँ। अगर आप अपना एक मिनट देने के लिए तैयार हो तो मैं आपके लिए 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। देखो, व्यूज़ से होता क्या, अगर व्यूज़ बढ़ते हैं, ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते हैं, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है सामने वाले पे कि यार इतने सारे लोग साथ में जुड़े हुए हैं तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और मेहनत से वीडियोस बन रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो फिर सामने वाला भी सोचता है यार व्यूज़ है नहीं, बंद करो चलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई बात नहीं, अभी तक जो हुआ सो हुआ, अगर आप लोग शेयर करने के लिए तैयार हैं, सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो मैं इस पर मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की श्री विल्लीपुत्तूर पल्लकोवा नामक मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट की एक मिठाई है श्री विल्लीपुत्तूर पल्लकोवा, जो कि दूध और शक्कर से मिलकर के बनी होती है, उसे अभी जीआई टैग दे दिया गया है। अच्छा, अभी अगस्त में हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु के डिंडीगुल के ताले और कड़ांगी साड़ियों को भी जीआई टैग दिया गया था, और उससे पहले अपन ने पढ़ा था कि तमिलनाडु के इरोड की हल्दी को जीआई टैग दिया गया था। अच्छा, तमिलनाडु के एक प्रसाद को भी जीआई टैग दिया गया था, तमिलनाडु के पलानी मंदिर के पंचमीर्तम प्रसाद को जीआई टैग मिला था। अच्छा, जीआई टैग के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो जैसे अगर किसी पर्टिकुलर स्थान पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई चीज़ पाई जाती है ना, तो उसे दिया जाता है जीआई टैग, बेसिकली उसकी मार्केटिंग के लिए, ताकि उस एरिया की पहचान बन सके और उस प्रोडक्ट की, उस उत्पाद की वैल्यू बढ़ सके। अच्छा, जीआई टैग का जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको तीन क्वेश्चन कराता हूँ। एक तो पहला जीआई टैग किसे मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में। उसके बाद दूसरा प्रश्न कि पहला जीआई स्टोर कहाँ पे खुला, तो गोवा में खुला, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उसके अलावा तीसरा प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि जीआई पंजीकरण जो होता है ना, वो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है, तो याद रखना 10 सालों के लिए, उसके बाद फिर उसे रिन्यू करना पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बन गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेगन शट। तो ऑस्ट्रेलिया की महिला तेज गेंदबाज है ये मेगन शट, और अभी ये 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बन गई हैं। पहली हैट्रिक इन्होंने पिछले साल भारत के खिलाफ T20 मैच में ली थी, और दूसरी अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ ली है वनडे में। और याद रखना, इसी के साथ ये मेगन शट वनडे में हैट्रिक लेने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला भी बन गई हैं। अच्छा, ऑप्शन ए क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्लेयर पुलुसाक। तो आपको याद आया होगा, ये ऑस्ट्रेलिया की ही है और पुरुष वनडे में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। ऑप्शन सी क्या है, स्टेफनी फ्रापर्ट। तो ये भी आपको याद आया होगा, ये वैसे फ्रांस की है और फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला रेफरी बनी थी ये। और ऑप्शन डी तो आप जानते ही होंगे, जीएस लक्ष्मी, ये भारत की है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी ये। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम, ये चारों इंपॉर्टेंट नाम है ना। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, ये ऑस्ट्रेलिया से है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। अच्छा, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ किस ओशियन में है, तो पैसिफिक ओशियन में है,
पैसिफिक ओशियन, याद रखना सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है। अच्छा अभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर क्या नाम है उनका, मार्नस लेबुस्चग ने इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में पहले कॉन्क्यूजन सब्स्टिट्यूट प्लेयर बने थे। अच्छा ये क्या होता है कॉन्क्यूजन सब्स्टिट्यूट, तो ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ 20 अगस्त के करंट अफेयर्स वाले वीडियो में, नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। अच्छा इसी के साथ याद रखना अभी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी हुआ था और उसमें टॉप पे था एक तो ऑस्ट्रिया का वियना और ऑस्ट्रेलिया का सिडनी और मेलबर्न सिटी, ये तीनों के तीनों शहर इस इंडेक्स में टॉप पे थे। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि इप्सोस ने ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी किया था और उसमें टॉप पे था ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तो ये आपको याद रखने भैया। बढ़ते आगे तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झारखंड। अच्छा यहां से एक और प्रश्न ये बन सकता है कि ये उद्घाटन किया किसने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा आपको बता दूं कि झारखंड बिहार से सन 2000 में अलग हुआ था और इस तरह से ये देश का 28वां राज्य बना था उस वक्त, और तब से इसके पास अपनी विधानसभा है ही नहीं, मतलब विधानसभा की बिल्डिंग ही नहीं है, तब से ये किराए की बिल्डिंग में चल रही थी। पर अब झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 465 करोड़ रुपए से बनी नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। और आपको बता दूं कि ये देश की पहली पेपरलेस यानी कि ई विधानसभा है जो कि पूरी तरह से वाईफाई से जुड़ी हुई है, इसकी हर टेबल पे आपको लैपटॉप अवेलेबल मिलेगा। और ये देश की पहली विधानसभा है जिसका जो गुंबद है ना ऊपर डोम है उसकी ऊंचाई कितनी है 37 मीटर है। साथ ही यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ योजनाओं की भी शुरुआत की है जैसे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जनजातियों के लिए एक लव्य विद्यालय योजना, खुदरा दुकानदार पेंशन योजना। अच्छा वैसे मैंने आपको परसों ही पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में भारत के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया था, याद है ना आप लोगों को। अब झारखंड की बात है तो येरा मैप में झारखंड क्या है, कैपिटल इसकी रांची है। और मैंने आपको बताया था IBPS RRB PU 2017 में एक प्रश्न आया था कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो रांची में है। मुख्यमंत्री है रघुबर दास, गवर्नर कौन है द्रौपदी मुर्मू है। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे हमेशा पूछता हूं, चलो बताओ कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो झारखंड के धनबाद को ही कहते हैं। अच्छा अभी झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे, कौन बने थे, हरीश चंद्र मिश्रा बने थे। अच्छा अगर बात करेंगे झारखंड के राजकीय पशु की स्टेट एनिमल की तो कौन सा है, हाथी है। और हाथी के साथ ही मैं आपको बताता हूं कि हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है, तो ऐसे याद रख लो काकाजी, क्या काकाजी KKJ, एक तो झारखंड केरल और कर्नाटका तीनों का स्टेट एनिमल हाथी, ऐसे याद रह जाएगा। बात करेंगे राजकीय पक्षी की तो एशियाई कोयल है, राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो साल है, और यहाँ पे फेमस डांस की अगर बात करेंगे तो छाऊ है और कर्मा नाच है, तो ये सारे आपको याद रखने भैया। बढ़ते आगे तो अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने इंडियन एयरफोर्स को दूसरा हवाई चेतावनी विमान सौंपा है, आपको इसका नाम बताना है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नेत्र। तो अभी DRDO ने इंडियन एयरफोर्स को दूसरा हवाई चेतावनी विमान जिसका नाम क्या है नेत्र, वो सौंप दिया है। ये एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान है जो हवाई और समुद्री सतह के लक्ष्यों की निगरानी करने, उनकी ट्रैकिंग करने और उनकी पहचान करने के काम में आता है। आपको याद होगा बालाकोट हवाई हमला, वहां पे भी इस नेत्र विमान का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा हमने कहा ये दूसरा हवाई चेतावनी विमान है जो कि अभी इनको सौंपा गया है, तो पहला कब सौंपा गया था, तो एक्चुअली ने DRDO ने ये नेत्र को बनाने का काम 2007 में शुरू किया था, और ये इसका पहला विमान 2017 में इंडियन एयरफोर्स को सौंपा गया था और ये अभी दूसरा सौंपा गया है। अच्छा DRDO ने सौंपा है, अच्छा DRDO के बारे में तो मैंने आपको कल भी बताया था, क्या क्वेश्चन पढ़ा था हमने DRDO से रिलेटेड, कि DRDO ने अभी स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इंग्लिश में बोलेंगे तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी परीक्षण किया था, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। अब बात DRDO की है तो इसके बारे में भी जान लो, अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में, और मैं आपको हमेशा इससे लिंक करा करके याद कराता हूँ। बताओ 1958 में और किसकी स्थापना हुई थी, बताओ मुझे, नासा की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, इसके चेयरपर्सन कौन है, जी सतीश रेड्डी, जिन्हें अभी इसी साल
एक अवार्ड मिला था, कौन सा? मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था इन्हें। मोटो क्या है डीआरडीओ का? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस, बलस्य मूलम विज्ञानम। हमेशा मैं आपसे पूछता हूँ डीआरडीओ दिवस कब मनाते हैं, अब तो याद हो गया होगा 1 जनवरी को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ की प्रबंध समिति में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाबलेश्वर एमएस को। तो महाबलेश्वर एमएस ये कर्नाटका बैंक के एमडी सीईओ हैं और अभी इन्हें इंडियन बैंक एसोसिएशन के मैनेजिंग कमिटी यानी कि प्रबंध समिति में शामिल किया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। एक्चुअली इसे भारत में बैंकों का मैनेजमेंट देखने के लिए बनाया गया था। आप कह सकते हो कि बैंक्स के मैनेजमेंट की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ये। हेडक्वार्टर कहाँ इसका? मुंबई में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सुनील मेहता। कौन है सुनील मेहता? जानते हो, पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन है। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? मनोज मुकुंद नरावने, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वाइस चीफ बने थे आपके इंडियन आर्मी के। ऑप्शन सी है वीके जौहरी, बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बने थे। ऑप्शन डी क्या है? प्रमोद अग्रवाल, कोल इंडिया के अगले चेयरमैन नियुक्त हुए या अपॉइंट हुए। तो ये आपको याद रखने भैया। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मेक इन इंडिया ट्रेन पुलथीसी एक्सप्रेस को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका के बीच साझेदारी से बनी मेक इन इंडिया ट्रेन पुलथीसी एक्सप्रेस को श्रीलंका में कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया है। याद रखना, इस ट्रेन का रैक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया गया है। अब श्रीलंका के लिए इसे बनाया गया है तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल क्या है? कोलंबो। याद रखना, कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी है। प्रेसिडेंट है मैत्रीपाल सिरिसेना। प्रधानमंत्री कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, उसे क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट कहते हैं, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो पाक जल डमरू मध्य। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है कि आदम का पुल कहाँ पर स्थित है? वैसे इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है राम सेतु। राम सेतु तो आप बना दोगे भारत और श्रीलंका के बीच में, लेकिन पूछा ऐसे जाता है कि आदम का पुल कहां पर है, तो ये आपको याद रखना है। और अभी श्रीलंका ने अपने पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया था, उसका नाम भी याद रखना है, रावण वन। अच्छा, अभी भारत और श्रीलंका नौसेना के बीच में एक युद्धाभ्यास शुरू हुआ था, नाम था उसका SLINEX 2019। कहां पर शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अच्छा, एक और पॉइंट आप याद रखना कि MCC मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने? कुमार संगाकारा बने। श्रीलंका के पूर्व कप्तान रह चुके हैं ये। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मलेशिया पहुंचा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, सहयाद्री और किल्टन। तो अभी भारतीय नौसेना के जहाज सहयाद्री और किल्टन 12 सितंबर से 15 सितंबर तक मलेशिया की यात्रा पर है। तो आपको इन दोनों जहाजों के नाम याद रख लेने हैं, क्योंकि आपको याद होगा अप्रैल में चाइना नौसेना की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तब भारतीय जहाज कौन कौन से? INS शक्ति और INS कोलकाता चाइना गए थे। तब भी आपको याद हो तो मैंने कहा था इन दोनों जहाजों के नाम याद रखना, और उसके बाद किसी एक एग्जाम में इनके नाम भी पूछे गए थे। तो अब सहयाद्री और किल्टन का नाम आपको याद रख लेना है। अब ये मलेशिया गए हैं तो येरा मैप में मलेशिया। कैपिटल क्या है? क्वालालंपुर है। करेंसी क्या है? मलेशियाई रिंगित है। अच्छा, मलेशिया के भी नए राजा बने, नए किंग कौन? सुल्तान अब्दुल्ला। अच्छा, याद रखना ये जो मलेशिया है ना, अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का 124वां सदस्य बना था। और इसी तरह से याद रखना, मलेशिया GST खत्म करने वाला भी पहला देश बना था। अच्छा चलो, एक प्रश्न अगर मैं पूछूं आपसे कि दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी संचालित शहर कौन सा बना, तो मलेशिया का ही बना था, मलेशिया का मलाका सिटी। कौन सी क्रिप्टो करेंसी चली वहां पे? DMI कॉइन। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। बढ़ते आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पे IIS यानी कि भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। तो अभी भारत सरकार ने स्किल इंडिया मिशन को गति देने के लिए पहले से प्रस्तावित 3 भारतीय कौशल संस्थान में से पहले का शिलान्यास कर दिया है। तो हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। और उन्होंने मुंबई में इस भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी है।
तो इसमें होगा क्या, जो स्टूडेंट 10वीं और 12वीं पास कर लेते हैं ना, उसके बाद अगर वो टेक्निकल एजुकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, मैंने कहा तीन खोले जाएंगे इस तरह के भारतीय कौशल संस्थान। पहला तो मुंबई में बनाया जाएगा, उसके बाद के दो कहाँ बनेंगे, तो मुंबई के बाद के दो बनेंगे अहमदाबाद और कानपुर में। तो मुंबई के बाद अहमदाबाद और कानपुर में भी ऐसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स बनाए जाएंगे। अच्छा, मुंबई से याद आया, अभी महाराष्ट्र सरकार ने 34 जिलों में ग्रामीण सड़कों को सुधारने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता भी किया है, ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान केंद्र में शामिल हो गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है भारत। तो अभी भारत ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च सेंटर में नए सदस्य के रूप में शामिल हो चुका है। अच्छा, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AMR रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ग्लोबल AMR रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसके एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है, तो बर्स बेल ए फ्रेम है। कौन है? बर्स बेल ए फ्रेम। अब बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किसे फिट इंडिया मूवमेंट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो सही उत्तर था ऑप्शन डी, शिल्पा अग्रवाल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने जो बाकी ऑप्शन है इसके बारे में भी लिखा है कि कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर बना है, तो इसका मतलब आपको सारी चीजें याद है। अच्छा, अब आज का करंट अफेयर्स तो आपने पढ़ लिया है, अब इन क्वेश्चन का आप टेस्ट जरूर लगाएं। करंट अफेयर्स की क्विज आप डेली सॉल्व करा करें। आप टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और क्विज लगाने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जिन स्टूडेंट्स को खासतौर पर ये प्रॉब्लम रहती है कि पीछे का करंट अफेयर्स वो भूलते जा रहे हैं, तो ये क्विज आप डेली बेसिस पे लगाना शुरू करें, आपकी भूलने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो ये क्विज आपको क्रेक जी के ट्रिक्स के एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, उस एप्लीकेशन में आपको क्विज के साथ साथ सभी PDF भी मिल जाएंगे और सभी वीडियोज भी एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आप क्विज लगाना शुरू कीजिए और आप खुद अंतर देखिए कि आप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। तो ये था हमारा आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो हेल्पफुल आपको लगता है, तो इसे लाइक जरूर करना, और लाइक करने के बाद जो भी आपका व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है वहां पे इस वीडियो को प्लीज आप शेयर जरूर किया कीजिए। आप शेयर करते हो तो इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आपको वीडियो में जरूर नजर आएगा, और ये सब पॉसिबल होगा आपके वीडियो के शेयर करने से। तो आपको केवल लिंक को अपने जो भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहां पे आपको शेयर करना है बस। और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जी के ट्रिक्स।